दानिश भाई, आप इस देश में सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं, बीजेपी राज में? सर, ये सवाल पूछना ही बहुत बड़ा पाप लगता है मुझे। अगर हाँ कोई ये सवाल करता है मुझसे कि हाँ आप इस देश में सुरक्षित नहीं है, मैं इसकी इसकी निंदा करता हूं। मैं एक जी भारतीय हूं, हाँ आप में और मेरे में क्या फर्क है रोहित? आपको क्या स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है जो मुझे नहीं मिला हुआ है? क्या नहीं, आप कुछ मुस्लिमों असुरक्षित के हैं क्या इस देश नुमाइंदे के हैं, अंदर? वो तो बिल्कुल फर्क नहीं। बता रहे हैं ना, आप हैदराबाद से कोई रोहित, बताता आप है, असुरक्षित हैं क्या? कोई रोहित, आप इस प्रयागराज। देश के अंदर असुरक्षित हैं क्या? मैं वही वही नहीं है इकबाल भाई ना? वही कह रहा हूं कि कुछ मुस्लिम नुमाइंदे हैं, कोई हैदराबाद से बताता है, कोई जेडीयू से बिहार से बता रहा है, कोई राजस्थान से बता रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से बता रहा है कि रोहित मुसलमान असुरक्षित है। रोहित, क्या मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान बंटवारा के बाद 1947 में तो अलग तो हो गया, लेकिन उसके बावजूद आज भी इस देश के अंदर कांग्रेस की एक देन ये है कि छोटे छोटे पॉकेट के रूप में पाकिस्तान इस देश के अंदर रह रहा है। और ये छोटे छोटे बिल्कुल पॉकेट जो है, टाइम टू टाइम जो इस तरह की बात करते हैं, और मुझे बहुत आपत्ति है कि इस देश के अंदर अगर कोई दानिश इकबाल वो कहता है कि आप असुरक्षित हो और रोहित पांडे से मुझे कोई अलग करता है, तो रोहित आप इस भारत की मिट्टी के हो, भारत के खून के हो, मैं भी इस मिट्टी का हूं, इस खून का हूं। बिल्कुल मेरे पूर्वज जो आपके पूर्वज थे वही मेरे पूर्वज थे। मैंने बिल्कुल पूजा पद्धति जरूर बदल दी है, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति नहीं बदला है, अपना परंपरा को नहीं बदला है रोहित। तो अगर मुझ पर कोई इस तरह का सवाल खड़ा करता है, चाहे वो बलियालवी हो, चाहे उसके ऐसे कोई भी दलाल हो इस देश के अंदर जो वोट बैंक के नाम पे मुसलमानों की दलाली करता है, आज 70 वर्षों के अंदर अगर मुसलमानों के हालात बद से बदतर है रोहित, तो उसके कोई नहीं, उसका एक ही आदमी जिम्मेदार है, और वे चंद मौलाना, बिके हुए मौलाना, बिके हुए ये उलमा, बिके हुए ये कांग्रेस पार्टियों के दलाल। मैं जब इस तरह की बातें होती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ, इसलिए कि देश का मुसलमान जो है, जो 80% मुसलमान, मैं बार बार कहता हूँ, वो राष्ट्रवादी है, वो देश के लिए मर मिटने और अपने प्राण देने के लिए तैयार रहता है। बिल्कुल, मैं इस सवाल को इसलिए उठा रहा था इकबाल भाई, क्योंकि अभी देखिए राम मंदिर पूरी तरीके से तैयार है, 22 तारीख को पीएम पहुंच रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी का इस बीच एक ट्वीट देखिए आता देखिए है। रोहित, एक 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 हाँ हाँ रोहित, पंकज मैं जी, माफ कीजिए, आपको टोक रहा हूं। ठीक। जब इस देश में कोई रोहित पांडे से नहीं पूछ सकता ना कि क्या रोहित पांडे आप असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, तो ये देश में किसी से नहीं पूछना चाहिए कि आप असुरक्षित महसूस करते हैं। बिल्कुल ये सवाल जो है ना, जो नरेटिव है, देखिए यही गलत है। क्यों किसी, अच्छा बताइए, इस देश पंकज में जी, किसी इनके नेताओं ने नागरिक से तय कर कोई रखे जाके हैं ना, पूछे? इकबाल नहीं भाई जो नहीं कह रहे नेता हैं कि नेता इसीलिए होके मैं बताऊं, इसीलिए मैं बताऊं, मुस्लिमों को पीछे नहीं, रखा एक गया, सेकेंड एक सेकेंड, अशिक्षित रखा गया, ताकि इनकी बात पर वो आगे बढ़ते रहें, वो जो कहते रहे वो करते रहें। नहीं नहीं मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, इस देश में क्या पंडे पुजारी हिंदू धर्म का ये ठेकेदारी लेके घूमते हैं क्या? उसी तरह इस देश में मुल्ला मौलवी भी नहीं ठेकेदारी लेके घूमते। इस देश का समाज अलग है। आप जाके घूमिए मुस्लिम मोहल्ला में, जिस तरह हम रह रहे हैं ना, उसी तरह वो भी रह रहे हैं, और वो भी नहीं वैल्यू देते। ये देखिए टेलीविजन पर आके कौन क्या बकवास कर रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज में जाके देखिए कि वहां क्या चल रहा है, वहां मॉडर्नाइजेशन की एक हवा चल रही है। इस देश के हर नागरिक को इस एक बात का यकीन है, यकीन ये है कि ये देश आगे बढ़ रहा है, हम दुनिया की महाशक्ति बनने वाले हैं। ये एहसास, ये यकीन है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है। याद रखिएगा कि आज इस देश के हर नागरिक को ये लग रहा है कि भारत महाशक्ति बनने जा रहा है, वो लगा हुआ है, जुटा हुआ उस चीज में, वो मिशन में जुटा हुआ है। और ये सब जो डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स हैं, बहुत तरह की बातें कोई करेगा, कोई जाति की बात करेगा, कोई धर्म की बात करेगा, कोई क्षेत्रवाद की बात करेगा, कोई उत्तर भारत दक्षिण भारत की बात करेगा, कोई कह देगा कि असम म्यांमार का हिस्सा है, इस तरह के एलिमेंट्स। देखिए ये निगेटिव एलिमेंट्स हैं, हमें निगेटिविटी को छोड़ना होगा किसी सूरत पे। ये देश एक मिशन मोड में है। आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले हाथ हमारे पास, इस दुनिया में सबसे बेहतरीन ब्रेन हमारे पास, इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था हम, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने वाला ये देश, सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी, यूपीआई, क्रांतियां हो रही है। क्रांति सिर्फ वो नहीं होती जो सड़कों पे बैठ के की जाती है, क्रांति ये होती है कि 2 साल के अंदर हर कोई मोबाइल से अपना पेमेंट कर रहा है, 5 रुपए 10 रुपए, ये भी क्रांति है, बदलाव है ये। मैं बताता हूं, मैं एक उदाहरण देता हूं, आपने भी वो वीडियो देखा होगा, एक फल बेचने वाला है, फल बेचने वाला कौन है नाम लेना फिर वही हो जाएगा, डिफरेंशिएट करना। वो उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो मोदी जी ने जो मोबाइल से पेमेंट कर दिया ना,
अब क्या होता है भैया कि मैं दोनों तरह से पेमेंट लेता हूँ, कोई मुझे कैश में भी देता है, में भी देता है। जो कैश से जो होता है उससे मैं रोजमर्रा की जिंदगी चलाता हूँ, और जो मोबाइल से जो पेमेंट मेरे बैंक खाते में जाता है ना, उसको मैं छोड़ देता हूँ। मुझे ही नहीं पता कि उस पता नहीं कैसे धीरे धीरे जमा होते होते 1 लाख रुपए जमा हो गए। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हो जाएंगे। ये है क्रांति, ये सामाजिक बदलाव है, सामाजिक बदलाव ये है कि आज की तारीख यही क्रांति, यही बदलाव कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा। शायद पीछे छूट गए ना वो, अब तो उनकी कोई सुनता नहीं।